चलिए आज आपको तंत्र मंत्र का यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। विक्रमशिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से 32 किलोमीटर दूर पर स्थित कहलगांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र मंत्र का यूनिवर्सिटी कहा जाता है और आपको GoPro से हम दिखा रहे हैं इसका कैसा है रास्ते का, तो आनंद लेते चलिए। ये जो अभी हम पास कर रहे हैं ये गांव अनादिपुर गांव है और अनादिपुर से आप टर्न लेकर जब कहलगांव से आएंगे 2 किलोमीटर आगे, तो अनादिपुर में टर्न लेने के बाद आप विक्रमशिला के लिए जा सकते हैं या डायरेक्ट हाईवे से विक्रमशिला स्टेशन और विक्रमशिला स्टेशन से फिर डायरेक्ट उधर से भी आप जा सकते हैं विक्रमशिला, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही रहेगा आप कहलगांव से 2 किलोमीटर आगे आइए अनादिपुर से टर्न लीजिए और अनादिपुर से टर्न लेने के बाद बस ये रास्ता सीधा विक्रमशिला की ओर। जो रोड देख ही पा रहे हैं बुरा नहीं है, ठीक ही है। यहाँ पर ये आसपास देख रहे हैं पानी का प्लांट वगैरह, पानी का प्लांट लगा हुआ है। यहीं से 210 गांव को जल की आपूर्ति करते हैं। बगल में गंगा है, ये बाइक चला रहे हैं लेकिन हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, तो इन लोगों को हेलमेट अवश्य लेना चाहिए। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, ऊपर से ठंड से भी बचाता है हेलमेट। तो देखिए कितना स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन हेलमेट का ज़रूरत इनको भी नहीं था। जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा हम आज तक जितना भी एक्सीडेंट देखे हैं सभी एक्सीडेंट में ज़्यादातर लोग सर फटने की वजह से ही हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और किसी अंग में अगर चोट वगैरह लगता है तो आप हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, आपको समय मिलता है, लेकिन माथे में चोट लगने के बाद सर में चोट लग जाने के बाद आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों को बाइक राइडिंग करते समय हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। यहाँ से लिखा हुआ है बोर्ड में अंतिचक 5 किलोमीटर है, तो अभी और यहाँ से हम लोगों को 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर चलेंगे अंतिचक, यानी कि अंतिचक में ही विक्रमशिला खुदाई स्थल है और विक्रमशिला खुदाई स्थल को ही तंत्र मंत्र का यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। पौराणिक समय में जिस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित था, जब वहाँ पढ़ाई होती थी, तो मान्यता है कि वहाँ तंत्र मंत्र की भी पढ़ाई होती थी। तो ये अभी जो आप गांव आया है ये कासड़ी है, अभी आप कासड़ी को पार कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा था, हिम्मत नहीं हो रहा था 2 दिन से इधर निकलने के लिए। देखिए और देखिए इसी नज़ारे को देखने के लिए आए थे। बेहतरीन व्यू पॉइंट,
तो हम लोग टिकट लेके घुस गए हैं अंदर। ये देखिए अंदर का बाद में दिखाते हैं, पहले आपको लेकर चलते हैं मेन जगह बाहर, जो देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, तंत्र मंत्र का यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। देख रहे हैं आप यहाँ कितना लोग आए हुए हैं दूर दूर से घूमने के लिए, और पूरा जनवरी तो भीड़ रहेगा ही। शुक्रवार को म्यूजियम बंद रहता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा शुक्रवार को। और म्यूजियम के अंदर तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरा अलाउ है ही नहीं, तो म्यूजियम जाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग आइए, हम म्यूजियम कई बार गए हुए हैं, म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत है और अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, सब चीज़ देख सकते हैं आप। तो आप आइए म्यूजियम देखिए। ये देखिए सीन देख सकते हैं, कैसा दृश्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखा हुआ है और आप ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं वो लोग इसको हिंदी में ले सकते हैं। अभी देखेंगे तिब्बती मंदिर, ये देख रहे हैं तिब्बती मंदिर, ये जो था ये मंदिर माना गया इसको तिब्बती मंदिर, ऊपर चढ़ने के लिए मना करता है। देखिए बहुत लोग आए हैं घूमने बहुत दूर दूर से, कुछ लोग इधर फोटोग्राफी कर रहे हैं। हाँ तो अब चले हम लोग मेन विश्वविद्यालय का बोल सकते हैं ऑफिस जहाँ था। देखिए ये सब पत्थर, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये स्तंभ था विक्रमशिला का, जो इसको रोके हुए रखा था, ये सब बाद में बनाया गया है, ये पहले नहीं था, मैं पहले यहाँ आया हूँ। तो ये पहले नहीं था, ये बाद में बनाया गया है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर पार्किंग स्टाइल का बनाया गया है, ये बाद में काम किया गया है पूरे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल दोनों तरफ से लगाया गया है, और घास की कटिंग समय समय पर यहाँ पर की जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, सब अपना अपना साथी के साथ बैठे धूप का आनंद ले रहे हैं। अभी जब हम घर से निकले थे तो थोड़ा भी धूप नहीं था, लेकिन यहाँ धूप है और अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो रहा है। ये देखिए मेन शांति स्तूप जिसको बोलते हैं मुख्य स्तूप, ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये है मेन स्तूप ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है शिला में, मैन स्तूप। ये देखिए इसको अब आपको मैन स्तूप ऊपर लेके चलते हैं। स्तूप
आप देख रहे हैं ये मेन ये मुख्य स्तूप है जहाँ आए हुए हैं और वहाँ पर पूजा पाठ भी होता है। तो आप जूता चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए। और देखिए अभी इसमें लोग प्लास्टिक कचरा सब फेंक देते हैं जो कि नहीं फेंकना चाहिए। ये घड़ा था उसमें स्टूडेंट लोगों के लिए इसमें पानी रखा जाता था ठंडा ठंडा पानी। अभी देख रहे हैं इसमें लोग कचरा फेंक रहे हैं। ये पुराना सी इधर भी दो है ये पानी स्टोर करने का जगह था उसी तरह का सेम है सब में कचरा। इसको और साफ सफाई करना चाहिए तो इसमें कचड़े से इसको भर रहा है क्योंकि ये फिर भाई आपको साइड वगैरह घुमाते हैं। देखिए ये सब जितना भी है इस सब में किसी न किसी का प्रतिमा लगा हुआ था बनाया गया था लेकिन ये जब खुदाई हुआ जो उस समय जो निकला तो पूरा नष्ट हो गया। बाद में इसका थोड़ा सा रिपेयर किया गया है इसको कोशिश किया गया है कि इसका जो नेचुरल लुक है वो ना जाए। ये सब में प्रतिमा था कहीं कहीं देखने मिल भी जाएगा आपको। है देखिए यहाँ पे प्रतिमा है ये प्रतिमा है ये सब। तो आपको जैसा बताए थे कि आपको दिखाएंगे कि कौन सा गुफा में ध्यान लगाया जाता था तो वो गुफा तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये वो गुफा है वहाँ भी था यहाँ भी था इस गुफा का बिल्कुल दुरुपयोग होता था तो इसको बंद कर दिया तो ठीक ही किया। अगर भविष्य में इसको ठीक करके फिर से खोले तो अलग बात है। ये आप जो साइड में दीवार देख पा रहे हैं इसके नीचे जगह है खाली जगह हम लोग बहुत बार उसके अंदर गए भी हैं लेकिन अभी बंद कर दिया गया। आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा इसको डेवलप देख पाएंगे। अगर आपको ये सिनेमेटिक व्यू विक्रमशिला का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल चित्रा नेचर ब्लॉग को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अभी मैं नया हूँ चित्रा नेचर ब्लॉग पर इसलिए शायद बहुत कमियाँ होगी लेकिन धीरे धीरे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर जगह दिखाने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से दिखा पाएंगे। शायद बोलने में भी असुविधा होती है कैमरे को पहली बार फेस कर रहे तो इसके लिए दिक्कत हो सकता है थोड़ा कोई बात नहीं। जब आप गेट से जैसे ही अंदर आएंगे तो सबसे पहले देखिए म्यूजियम जाने के लिए ये गेट है इसके अंदर आइए और ये इस तरह का दिखता है कुछ इसका व्यू देख सकते हैं। ये देखिए ये म्यूजियम है लेकिन वहाँ का फ़ोटो लेने के लिए आपको मिलेगा नहीं। ये देखिए ये पूरा पार्क है ये संग्रहालय जाने का रास्ता यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्क में आइए बैठिए फ़ोटो खिंचाइए लेकिन आप म्यूजियम का फ़ोटो नहीं ले सकते। पार्क कुछ इस तरह का दिखता है। ये देख क्या खेल रहे हो बॉल उड़ा उड़ा। तो अब हम लोग कह रहे हैं विक्रमशिला को बाय बाय और चलते हैं अब मजा लेते हुए या।
इधर से जाते समय आपको मिलेंगे बटेश्वर बाबा स्थान, जो कि बौशकीनाथ बाबा के बाबा है ना, बूढ़ा बाबा बोलते हैं इनको। तो अगर आप देवघर गए होंगे, बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन किए हैं और बाबा बौशकीनाथ का दर्शन किए हैं, तो आपको एक बार बटेश्वर बाबा का दर्शन करना अनिवार्य है। तो अगर आप लोग जब विक्रमशिला घूमने आए तो आप बटेश्वर स्थान अवश्य जाएं, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, गंगा के किनारे स्थित भोला बाबा, और भोला बाबा के संग हर जगह पार्वती मैया मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे काली मैया। तो आप सवेरे अगर मॉर्निंग में आते हैं तो मेरे ख्याल से, अगर आप भूखे हैं या कुछ लोग हैं जो खाते भी हैं, तो स्नान करके गंगा स्नान कर सकते हैं, या कुछ लोग होटल में स्नान करके अगर कालगांव से आते हैं तो वो पहले विक्रमशिला आने से पहले बटेश्वर बाबा स्थान में अपना पूजा कर लीजिए। बटेश्वर बाबा स्थान में पहले पूजा कर लेते हैं तो आपको पूजा करते करते 9:10-11 बज जाएगा, और म्यूजियम भी खुलता है 9:30-10 बजे के बाद। तो इससे आपका होगा कि एक सिद्धपीठ दर्शन भी हो जाएगा और विक्रमशिला घूमना भी हो जाएगा।